ऐसा नहीं हो कि कल को बोले कि नहीं मैं ठीक नहीं आई, मैं ये नहीं, मैं अच्छी नहीं गा रही हूँ, तो उस हिसाब से ताली बजाइएगा और गाइएगा सच्चे दरबार की। मन में चल रही वृंदावन धाम राधे राधे गाएगी। होने जा रही है। आप भक्तों के भक्ति श्रद्धा प्रेम के कारण इस यज्ञ में कोई विघ्न बाधा नहीं आए। पिछले दिन की अमर गाथा में आप भक्तों ने ज्ञान की प्राप्ति की। भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में बड़ी सुंदर लीला की, लेकिन भक्तों अब परिवर्तन का समय आ गया, क्योंकि प्रकृति का नियम परिवर्तन है और प्रकृति का नियम कभी बदलने वाला नहीं है। अब परिवर्तन होगा। भगवान श्री कृष्ण को गोकुल छोड़ करके मथुरा में जाना है। राजा कंस ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाने का प्रबंध कर दिया। धनुष यज्ञ की तैयारी कर रहे इस यज्ञ में दोनों बालकों को बुलाऊंगा और दोनों की हत्या कर दूंगा। नंद बाबा के बचपन के सखा हैं अक्रूर जी, और अक्रूर जी कंस के महामंत्री हैं, और अक्रूर को पता है, कंस को पता है अक्रूर के ऊपर नंद बाबा अटूट विश्वास करते हैं। इस बात का फायदा कंस ने उठा लिया है। यही तो सात दिन से समझाता आ रहा हूँ, ये जो हमारे अंदर भी कंस बैठा है इसको फायदा उठाने मत दीजिए। सुपूर्णा पुनरापद वस्ने पक्ति क्रीणावह एक गोजगुन शत प्रदो स्वाहा। इदुष्टा सविता पुनादो वसुः मित्रेण शतधारेण सुप्वा कामदुक्षः। शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ विश्वानि देव सवित दुरितानि पराशुभ जगदन्तन्ना सुभ इमात्राय तवसि कपर्तिरेतय धीराय प्रभरा। तो कैसे हैं आप सब? देखिए आज हमारी कथा को विराम हो गया कोहली में। बहुत सुंदर कथा हुई, बहुत आनंद आया, तो आज विदाई यात्रा शुरू हो गई। क्योंकि मैं गाड़ी को पार्क करने के लिए चला गया था, तो आपको दिखाते हैं।
और देखिए विदाई यात्रा, इसमें हमारे मुख्य यजमान जी राधे 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 जी मैं जी राधे राधे जी। और ये हमारे कुछ पुराने यजमान जी हमारी माता बहनें देखिए अपने हिमाचली रीति रिवाज के साथ भजन कीर्तन करते हुए पंडित जी को विदा कर रहे हैं। ओह वाह जी वाह, कांगड़ा वाले कोई गलती फलती नहीं जजमान जी, बहुत सुंदर, सबसे अच्छा, सबसे बहुत ही अच्छा लग गया तुमको मिलने। जी बोले ना अगले अभी आवा आई आगे क्यों राधे 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 राधे।